मुरैना जिले के कैलारस पंचायत के ग्राम नबलपुरा में कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के चलते इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं प्रशासन हरकत में आ गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग पुलिस टीम गांव पहुंची और गांव की सीमाओं को सील कर दिया। मुख्य रास्ते पर बैरिकेडिंग कर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। मरीज के परिजनों के नमूने लेकर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। बैरारा पंचायत के ग्राम नबलपुरा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके घर वाले 4 लोग थे, उनको क्वारंटाइन प्रशासन द्वारा किया गया। उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद चारों गांवों में वापस आ गए। अब पूरा गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है और दूसरे नंबर पर पूरा गांव लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन से मैंने कल निवेदन किया था कि आदिवासी बस्ती है, वहाँ खाने पीने का कोई साधन नहीं है। वो लोग रोज़ाना लकड़ी बेचने जाते हैं, रोज़ाना आते हैं, अपना बेच करके अपना माल लेकर के खाते हैं। उनके पास साधन नहीं है, इसलिए प्रशासन ने यहाँ पर आटे और चावल और सावन मास्क की व्यवस्था की है। वो हम पूरे 400 परिवार हैं, उनको बांट के आए। यहाँ इनके लिए खाद्यान्न बढ़ रहा है। 3-4 दिन से बंद है, यहाँ पर लॉकडाउन है। कोरोना की शिकायत आई है ससुराल के लिए, उसके परिवार को ले गए सावन है। वो लगाने के लिए हाथों से और एक थैली है 5 किलो की, एक गृहस्थी पे कुछ नहीं है। इससे क्या होता है, गृहस्थी में तो खाने के लिए तो बहुत से सामान होते हैं, तो सबको कलर साहब को पता रहता है कि क्या खाना है। हमारे एक चावल और एक थैली से क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा। जनसंख्या बताई गई थी इस गाँव की, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को मास्क दिया जा रहा है और हर 2 व्यक्तियों पर 1 साबुन दिया जा रहा है। इसमें जो जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन का जो प्रथम चरण था, हमने प्रत्येक गांव में 65 पंचायतों के प्रत्येक गांव में 106 गांवों में हमने हर गांव के हर व्यक्ति को मास्क बांटा है। ये तो फिर से हमने यहाँ चूँकि इसको क्या बोलते हैं दोनों तरफ से सील किया है, मास्क की हमें फिर से ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि एक मास्क 10-15 दिन तक चल सकता है, तो दोबारा से फिर मास्क बंटवाया। हाँ, प्रत्येक पंचायत में मेरे पास वीडियोस हैं और वहाँ के फोटो भी हैं, हर पंचायत में सैनिटाइज किया जा रहा है। मुरैना से गौरव गौड़ की रिपोर्ट।